हेलो दोस्तों, पीएम सिविल टेक्नो हब में आपका स्वागत है। आज हम डिज़ाइन ऑफ थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज की डिज़ाइन, उसके एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसके साथ ही हम टाइप्स ऑफ ब्रिज, इनके सब के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा डिज़ाइन थ्रू टाइप ऑफ प्लेट गर्डर्स। दोस्तों, ब्रिज हमारे लिए सब एक वो ऐसा एलिमेंट है जो हम किसी गैप को फिल करके उसके ऊपर हमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन, पेडेस्ट्रन, जो भी हमारा जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको फिल करवाते हैं। दोस्तों, ये सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। ब्रिज क्या होता है? किसी गैप को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो हाईवे हो सकता है, रेलवे हो सकता है। जैसे देखो, मान लो तुम्हारे पास ये दो एक गैप है जिसमें क्या है, रिवर है, कुछ भी गैप हो सकता है। अब मुझे इसको क्रॉस करना है, तो इसके लिए मैं उस पर क्या करूँगा, ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ब्रिज किस टाइप का होता है, क्या होता है, ये सब उसके डिपेंड करता है लोडिंग के ऊपर, वहाँ पे उसका यूटिलाइज क्या है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। बट हमारे स्टील स्ट्रक्चर में मेनली दो टाइप के ब्रिज हैं। फर्स्ट है डेक टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज, दूसरा है हमारा लेटिस टाइप गर्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रू टाइप प्लेट गर्डर भी बोलते हैं। ठीक है सर, देखते हैं। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज की बात करें तो इस पर दो टाइप्स इसको क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा व्हीकल ट्रैफिक लोड्स के अकॉर्डिंग, दूसरा हमारा फ्लोर लोकेशन के अकॉर्डिंग। व्हीकल ट्रैफिक लोड के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा होता है हाईवे, रेलवे, फुट, एक्यूडक्ट्स। और फ्लोर के अकॉर्डिंग बात करें तो डेक टाइप, थ्रू टाइप और हाफ थ्रू टाइप, ये सब होता है। अब दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोड के अकॉर्डिंग। लोड के अकॉर्डिंग ब्रिज को क्लासिफाइड किया गया है हाईवे। जो हमारा हाईवे ट्रैफिक होता है उसको हम कैरी करवाने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, हाईवे ब्रिज। जब हम देखते हैं रोड्स के ऊपर, इनके ऊपर क्या होता है, किसी को क्रॉसिंग करने के लिए, फिर ट्रैफिक को कंट्रोल या कम करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, हाईवे ब्रिज यूज़ करते हैं। रेलवे ब्रिज, रेलवे में क्या होता है, हमारा रेलवे ट्रैफिक को हम कंट्रोल करते हैं। रेलवे को क्रॉस करवाना है, कुछ भी करवाना हो, किसी ब्रिज के ऊपर से रेलवे निकालना, रेल निकालनी, सब के लिए क्या करते हैं, रेलवे ब्रिज करते हैं। थर्ड होता है हमारा कंबाइंड, रेलवे और हाईवे को एग्जाम्पल देखा जैसे रेलवे, मेट्रो वगैरह। फुट ब्रिज, इसको हम करते हैं सिर्फ पेडेस्ट्रियन के लिए, एक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फुट ब्रिज का यूज़ करते हैं। एक्यूडक्ट्स, इसमें हम कैनाल्स और पाइपलाइंस में वाटर कैरी करवाने के लिए एक्यूडक्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा लोकेशन के अकॉर्डिंग बात करें, लोकेशन के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट्स होते हैं, क्योंकि इसी हिसाब से होता है कि हमें कौन सा ब्रिज यूज़ करना है। इसमें हम दो टाइप के ब्रिज होते हैं, एक होता है डेक टाइप ब्रिज, दूसरा होता है थ्रू टाइप ब्रिज। अब डिफरेंस क्या होता है डेक टाइप और थ्रू टाइप में, वो देखते हैं। दोस्तों, डेक टाइप ब्रिज, ये हमारा डेक टाइप दो टाइप का होता है, डेक टाइप प्लेट गर्डर और डेक टाइप ट्रस गर्डर। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेट गर्डर क्या होता है, और उससे पहले हमने पढ़ा था गेंट्री गर्डर। प्लेट गर्डर और गेंट्री गर्डर डिफरेंस क्या था, कि गेंट्री गर्डर में हमें IS क्लासिफाइड स्पेसिफिकेशन मिल रहे थे कि हमारे डेप्थ 600 mm, 450 mm, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। जैसे जैसे हमारा लोड्स बढ़ते गए, उसकी डेप्थ भी क्या हो गई, इंक्रीज होती गई, तो हमें एक 600 mm से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो डेप्थ नहीं मिल रही थी। तो उसके लिए हमने कौन सा रास्ता निकाला, प्लेट गर्डर का। अब प्लेट गर्डर में डेक टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज, जहाँ पे हमारे स्पान लेस देन 30 मीटर होती है, वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं, डेक टाइप ब्रिज यूज़ करते हैं। और स्पान 30 मीटर से 250 मीटर तक तो होती है, वहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं, थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज करते हैं। मतलब अगर हमारी स्पान लेस देन 30 मीटर है तो वहाँ पे हम कौन सा प्रेफर करेंगे, डेक टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज यूज करेंगे। अगर हमारी स्पान 30 मीटर से अबाउट 250 मीटर है तो हम कौन सा यूज़ कर लेंगे, थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज कर लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हमारी स्पान 30 मीटर ज़्यादा जाती है तो उसके लिए डेक टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज क्या असर होता है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है, मतलब इकोनॉमिकल नहीं रहता है। तो इकोनॉमिकल बनाने के लिए हमने दूसरा रास्ता कौन सा निकाला, थ्रू टाइप ब्रिज का निकाला। थ्रू टाइप भी दो टाइप के होते हैं, थ्रू टाइप प्लेट गर्डर और थ्रू टाइप ट्रस गर्डर। अब प्लेट गर्डर में हमारा क्या होता है, आई सेक्शंस होते हैं, जिसके ऊपर क्या ऊपरी ऊपर फोर्सन का क्या बोलते हैं, टॉप फ्लेंज बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं, बॉटम फ्लेंज बोलते हैं, और एक बीच में होता है इसको इंटरमीडिएट बोल देते हैं। इसी तरह से हमारा जो ट्रस होता है उसमें क्या होता है, टॉप कोड, बॉटम कोड होते हैं और इंटरमीडिएट कोड होते हैं। अगर हमारा फ्लोर टॉप फ्लेंज को प्लेस किया गया तो उसको बोलेंगे डेक टाइप प्लेट गर्डर, अगर हमारा यही फ्लोर बॉटम फ्लेंज के ऊपर प्लेस किया गया तो उसको बोल देंगे थ्रू टाइप प्लेट गर्डर। ट्रस की बात करें, अगर टॉप क्रोड के ऊपर फ्लोर प्लेस किया गया है तो उसको बोलते हैं डेक टाइप ट्रस गर्डर।
डिफरेंस बिटवीन प्लेट गर्डर एंड ट्रस गर्डर ब्रिज, मतलब प्लेट गर्डर क्या होती है, ट्रस गर्डर क्या, उसके बीच डिफरेंस देखते हैं। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे फ्लोरिंग अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्लेट गर्डर का देखो एक डायग्राम है, इसमें देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कैसा होता है। दोस्तों जैसे आपको दिख रहा है ये प्लेट गर्डर है हमारा, इसमें क्या एक आई सेक्शन है जिसको हम आई सेक्शन है, इसके सपोर्ट्स में कौन सी है, गडर्स बोलते हैं जिसको हम आई, उसके साथ ही हमारे जो वहाँ पे गाड़ियाँ चलती है उसको बोलते हैं कैरिज वे। साथ में हमारे उसके साथ में क्या होता है, फुटपाथ होता है दोनों तरफ, जिसमें हम पेडेस्ट्रियन के लिए या फिर हम इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ब्रिज के ऊपर क्या बनाते हैं, पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल क्यों बनाते हैं, सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम क्या बनाते हैं, पैरापेट वॉल बनाते हैं। ये सब इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो अगर हमारी यही आई सेक्शन है, इसका जो टॉप वाला पोर्शन है, टॉप वाला पोर्शन ये है, इसको बोलते हैं हम टॉप फ्लेंज। क्या बोलते हैं, टॉप फ्लेंज। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉटम वाले को बॉटम फ्लेंज, और बीच में इंटरमीडिएट हो गया। इसी के अकॉर्डिंग बताया गया है, अगर हमारी व्हीकल या फिर हमारा कैरिज वे इसके टॉप फ्लेंज के ऊपर से जा रहा हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, डेक टाइप। अगर यही कैरिज वे हमारे इसके जस्ट बॉटम से जा रहा हो तो उसका क्या बोल देंगे हम, थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज। और बीच में जा रहा हो तो उसको क्या बोल देंगे, सेमी या हाफ थ्रू टाइप ब्रिज। दूसरा देखते हैं आगे, ट्रस गडर। ट्रस गडर में हमारा क्या होता है, इसमें कॉर्ड्स होती हैं, जैसे टॉप कॉर्ड बॉटम कॉर्ड एंड बीच में, दोनों के बीच में। तो इसको देखो, जैसे इसमें अगर गाड़ी हमारी या फ्लोरिंग हमारी टॉप कॉर्ड के ऊपर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेक टाइप। अगर यही हमारी बॉटम के ऊपर है तो उसका बोल देंगे, थ्रू टाइप ट्रस ब्रिज बोल देंगे। अगर दोनों के बिटवीन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी थ्रू या हाफ थ्रू। दोस्तों ये डेक प्लेट गर्डर का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, जिसमें हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे इसमें सबसे टॉप पोर्शन पे डेक होता है, डेक मतलब जैसे फ्लोरिंग होती है, उसके जस्ट नीचे होता है टॉप कवर प्लेट होती है जो डायग्राम में दिख रहा है। साथ में उसको लेटरल ब्रेसिंग कर देते हैं ताकि उसमें कोई सोए या फिर कोई कंडीशन फेलियर कंडीशन ना आए। फिर साथ में लगाते हैं हम इंटरमीडिएट स्टिफनर्स लगाते हैं, उसके साथ ही हमारा बियरिंग स्टिफनर्स होते हैं जो क्या करते हैं, उसको बियर करते हैं। बियरिंग्स मतलब एक उसका जस्ट लोड कैरिंग, लोड ट्रांसफर कराने के लिए हम क्या लगाते हैं, बियरिंग्स लगाते हैं। क्रॉस फ्रेम्स लगाते हैं, क्रॉस फ्रेम भी स्वे रोकने के काम आती है। ये सब हमारा क्या, इसका एक प्लेट गडर का से क्रॉस सेक्शन है। थ्रू टाइप की बात करते हैं, हमारे ट्रस टाइप का ब्रिज होता है, इसमें हमारा क्या होता है, टॉप लेटरल ब्रेसिंग्स होती हैं, टॉप कॉर्ड होता है जो बताया था टॉप कॉर्ड, दूसरा हमारा बॉटम कॉर्ड होता है, डायगनल्स होते हैं, उसमें डेक होती है, इसमें हम गाड़ियाँ चल हमारी व्हीकल्स वगैरह मूव करते हैं। एंड पोस्ट, वही पोस्ट, ये सब इसमें क्या आते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, इसके हम डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखो दोस्तों इसमें दिखाया गया है डेक टाइप ट्रस ब्रिज कैसा होता है, अगर हमारा फ्लोरिंग टॉप पे है तो डेक टाइप बोल देंगे, अगर बॉटम है तो थ्रू टाइप, और दोनों के बिटवीन है तो इसको हम बोल देंगे सेमी थ्रू ट्रप टाइप ट्रस। यहाँ पे जो ब्रिज होता है हमारा, डेक टाइप, थ्रू टाइप एंड सेमी, इन तीनों में डिफरेंस किया गया है व्हीकल को दिखा के। देखो व्हीकल अगर हमारा टॉप फ्लेंज के ऊपर या टॉप कॉर्ड के ऊपर चल रहा हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, डेक टाइप बोल देंगे। अगर हमारा व्हीकल वही टॉप एंड बॉटम के बीच बिटवीन चल रहा है तो उसको क्या बोल देंगे हम, सेमी या हाफ थ्रू टाइप ब्रिज बोल देंगे। अगर यही व्हीकल हमारा जस्ट बॉटम कॉर्ड या बॉटम फ्लेंज के ऊपर चलता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, थ्रू टाइप प्लेट। दोस्तों एक थ्रू टाइप प्लेट ग्रेडर ब्रिज के हमने क्रॉस सेक्शन बना रखा है, इसमें देखो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, हमें क्या क्या डिज़ाइन करने हैं। सबसे हमारा बॉटम में होता है क्रॉस बीम, क्रॉस बीम हमें डिज़ाइन करनी है। साथ में हमारी प्लेट ग्रेडर लगी होती है, जस्ट इसके ऊपर जाओगे तो स्ट्रिंगर लगा होता है, इसके ऊपर स्लीपर्स होते हैं और इसके ऊपर रेल सेक्शन होते हैं। अभी बोगी है यहाँ पे, बोगी मतलब कोई ट्रेन हो सकती है, खाली भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर हाइट को दिखाने के लिए हमने क्या लगाया है, यहाँ पे बोगी को दिखाया गया है, अदरवाइज ये एम खाली रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दो केस होते हैं कई बार, विदाउट लोडेड कंडीशन और विद लोडेड कंडीशन। तो इसमें एक बार लोडेड कंडीशन में तो हम क्या देंगे, बोगी साथ में देंगे, विदाउट अनलोडेड कंडीशन या फिर अनलोडेड कंडीशन हम क्या देंगे, बोगी को हटा देंगे। तो इसमें हमारा जो मेनली डिज़ाइन होगा थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज में, इसमें हमारा स्ट्रिंगर और क्रॉस बीम डिज़ाइन करना होगा। दोनों के स्टेप सेम है, बस इसमें चेक लगाने होते हैं। इसके बाद हमें जब नेक्स्ट वीडियो में इसके डिज़ाइन देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिज़ाइन स्टेप्स और कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।